अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं ज़ारनक सिद्दीकी आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, एक नए हफ्ते के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज क्या बन रहा है जी? आज मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि मैं आज आइसक्रीम बनाऊंगी, और ये आइसक्रीम एक का बेस है जो सिर्फ हम डालेंगे इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क, और ये सारी चीज़ों के साथ हम मुख्तलिफ 5-6 किस्म के आइसक्रीम्स आपको बनाना सिखाएंगे, ठीक है। अब आइसक्रीम इज़ वेरी सिंपल टू मेक। आइसक्रीम ये वाला चीटर्स मेथड जो है, जिसमें सिर्फ हम दो चीज़ें मिक्स कर देते हैं, एक बेस बना लेते हैं और उसमें आप अलग अलग चीज़ें करें। सो एक बड़े बोल में हम एक बड़ा सा बेस ज़्यादा डबल क्वान्टिटी में मैं बना लूँगी, ताकि फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसक्रीम आपको कैसे बनाएं। छोटे छोटे डब्बे हैं, उसमें हम फ्रीज़ कर देंगे, कल दिखाएंगे आपको, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स टाइम टू फ्रीज़। आप आइसक्रीम बहुत तरीक़ों से बना सकते हैं। अंडे के कस्टर्ड के साथ बना सकते हैं, इस तरह क्रीम के साथ बना सकते हैं। मैं टेट्रापैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो हम डेयरी क्रीम जो हमारी होती है वो आप लोग डेयरी से लें, क्रीम टेट्रापैक की लें, या फिर व्हिपिंग क्रीम लें, कोई भी क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। इन आइसक्रीम्स आई प्रिफर कि मैं व्हिपिंग क्रीम ना लूँ, हालांकि व्हिपिंग क्रीम से बहुत डबल मतलब ज़्यादा बन जाता है बहुत सारा, लेकिन उसमें वो टेस्ट नहीं आता है, ठीक है, बिकॉज़ वो नॉन डेयरी है। सो इसीलिए मैंने डेयरी क्रीम ली हुई है और कंडेंस मिल्क है। दूध से बनता है, दूध को आपको बहुत ज़्यादा 1 से 2 घंटे उबालना पड़ता है जब तक वो रिड्यूस नहीं हो जाता है। तो ये कंडेंस मिल्क है ना, एक टिन खोल दीजिए, लाइफ आसान हो गई। अब मैंने क्या क्या किया है, ऑफकोर्स देयर इज़ क्वाइट अ वैरायटी यहाँ। सो मैंने मैंगो का भी लिखा था, लेकिन मैंगोज़ आजकल अवेलेबल नहीं हैं, तो इसी तरह आप बनाइएगा, अगले महीने तक मैंगोज़ आ जाएंगी। अच्छी सिंदरी आम को काटिएगा, उसका गुदा निकाल के उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा, और यही बेस जो बनेगा उसमें आप स्टर इन कर दीजिएगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल, सबसे पहला फ्लेवर है पान फ्लेवर। नाउ दिस इज़ अ वेरी इन थिंग, आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है, बहुत सारे लोग बना रहे हैं, जस्ट लाइक एक ज़माने में वो माचा आइसक्रीम था उस तरह, द ग्रीन पाउडर वाला। सो नाउ आई हैव गॉट अ पान लीफ हियर, और लाल वाला शरबत है गुलाब का, ठीक है। तो जब ये बेस हम बना लेंगे तो उसमें हम मिक्स करके एक डब्बे में रख देंगे। एयर टाइट डब्बा होना बहुत ज़रूरी है आइसक्रीम के लिए, ठीक है। अगर आप आइसक्रीम बना के किसी लूज़ ढक्कन वाले डब्बे में फ्रीज़र में रख देंगे तो आइस क्रिस्टल्स जम जाएंगे। बहुत दफ़ा मैंने आपको कहा है जब मैं आइसक्रीम बनाती हूँ कि आइसक्रीम बना के फ्रीज़र में रखिए, अच्छी तरह निकालिए 2-3 घंटे बाद, तो आपको लगेगा कि डब्बे के साइज़ में जम गया है आइसक्रीम, बीच में अभी भी हिल रहा है। निकालिए उसको, या कांटे से उसको बीट कर दीजिए, या निकाल के पूरा बीटर से बीट कर लीजिए, फिर दोबारा रख दीजिए, दोबारा रखिए फ्रीज़र में 2-3 घंटे बाद दोबारा निकालिए। इस तरह 3 दफ़ा करिएगा, और फिर बाद में ओवरनाइट उसको फ्रीज़ होने दीजिएगा 6-8 घंटे तक, फिर निकाल के आप स्कूप्स में निकाल के खा सकते हैं। नाउ ये वाले जो आइसक्रीम्स हैं ये जल्दी पिघल जाते हैं, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट, बहुत हार्ड नहीं बनते। इसमें हमने कोई जेलेटिन, कोई कॉर्नफ्लावर, कोई हार्डनिंग एजेंट हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना हम डालेंगे, ठीक है। सो दीज आर रियली नाइस होम मेड सॉफ्ट स्कूप टाइप आइसक्रीम्स, जिसमें अलग अलग चीज़ें मैंने रखी हैं। चीकू है, ठीक है, चीकू है उसके साथ, चीकू को आप चॉप कर दिया, थोड़ा सा चीकू आप चॉप कर दें, थोड़ा सा चीकू आप ब्लेंडर में डाल के दूध के साथ ब्लेंड कर दें, वो आप डालिए, इलायची के फ्लेवर डाल दीजिए। सो कीप प्लेइंग विद डिफरेंट थिंग्स जो आपके पास घर में हों, और अगर आप सिंपल कोई, अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ हों जो हमने फ्रीज़ कर दी थी जनवरी फरवरी में, जब यहाँ कराची में स्ट्रॉबेरीज़ आती हैं, मैंने काफ़ी सारी फ्रीज़ कर दी हैं, इसी बेस को लेके आप स्ट्रॉबेरीज़ डाल के उनको ब्लेंड करके डाल दीजिए। स्ट्रॉबेरी चीज़ केक का भी एक फ्लेवर आता है आइसक्रीम का, तो चीज़ केक में क्या होता है, बिस्किट का बेस, फिर ये ऊपर होता है क्रीम चीज़ का फिलिंग होता है, एंड देन स्ट्रॉबेरीज़, तो आप थोड़े से बिस्किट्स का चूरा कर दीजिए, वो स्ट्रॉबेरीज़ ब्लेंड कर दीजिए, इस तरह क्रीम चीज़ डाल दीजिए। सो यू कैन डू सो मैनी थिंग्स, अगर आपने एक दफ़ा एक बेसिक बेस बनाना सीख लिया हो तो आप उससे बहुत सारे आइसक्रीम्स बना सकते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग द होल शो जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आएंगी, वैसे वैसे ये पूरा हफ्ता आइसक्रीम्स हैं, कल कुछ और है, मलाई लॉग है आई थिंक, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे मैं कपकेक्स बनाती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि इसी रेसिपी से आप केक बना सकते हैं, केक्स बनाती हूँ तो आपको कहती हूँ इसी रेसिपी को आप कपकेक के टिन में बेक कर सकते हैं। सो उस तरह, ठीक है। फिर हम क्या बनाएंगे, सैफ्रॉन और पिस्ते का फ्लेवर बनाएंगे, तो या तो आप ज़ाफ़रान डालें या ज़ाफ़रान एसेंस डालें, पीला रंग डालें। सो आप एसेंस के साथ, रंग के साथ, चीज़ों के साथ खेलते रहें, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते रहें, अपने भी किचन में एक्सपेरिमेंट करें। फिर हम मिंट, मुझे मिंट फ्लेवर का आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वो टूथपेस्ट लगता है, वो कहता है ये क्या है भाई। तो मैंने यहाँ चॉकलेट चिप्स रखे हैं, यह ग्रीन रंग है, पेपरमिंट एसेंस है, तो पेपरमिंट एसेंस के साथ थोड़ा सा डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, वरना वाकई टूथपेस्ट ही आपको टेस्ट आएगा।
और मैंने लिखा है काजू किशमिश का फ्लेवर है, सो काजू हैं चॉप किए हुए, किशमिश है, अच्छे से तरह धो दीजिएगा, डंडियाँ निकाल दीजिएगा, साबुत रखनी है साबुत रखिएगा। आप चाहें कि थोड़ी सी प्लम्पी हो, बिकॉज ड्राई किशमिश अच्छी नहीं लगती, तो आप थोड़ा सा इसको ऑरेंज जूस में सोक कर दीजिएगा। ऑरेंज जूस ये पी लेगा, किशमिश इसको पी लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आप डालिएगा, तो आप देखिएगा कितना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। अच्छा, इसी तरह मैंने एक और रखा हुआ है आमंड एंड फिग फ्लेवर। फिग क्या होता है? अंजीर, उसको आपने चॉप कर दिया, ठीक है, और बादाम चॉप कर दिए हैं उसके साथ। कुछ चीज़ों को आपको मिक्स करना होता है और बस फ्रीज़र में रख देना होता है। इतना आसान है, आइसक्रीम बनाना मुश्किल नहीं है, पूरा हफ्ता मेरे साथ रहिएगा। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर जो आइसक्रीम का होता है वेनिला एंड चॉकलेट, वो हम बनाएंगे इसी हफ्ते में। चॉकलेट तो है, आई डोंट थिंक वेनिला है। इसी तरह बना के वेनिला एसेंस डाल दीजिएगा। नाउ एसेंस क्या भी मैं बताऊँ, देखें ये जो मैं लाती हूँ ना, ये वाला है वेनिला एसेंस, लेकिन ये वेनिला बीन का एसेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, चंद कतरे डालिएगा। यहीं से मैंने लिया हुआ है, ठीक है। जो रेगुलर हम वेनिला एसेंस यूज़ करते हैं उसका रंग थोड़ा ज़रा मरून सा आता है, सो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बातें मैंने बहुत सारी कर ली और ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, सो विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक से आएंगे तो फिर हम, यहाँ क्रीम है, कंडेंस मिल्क है, उसको हम बीट करेंगे और वो एक बेस बना लेंगे। फिर बहुत सारे हम डब्बे यहाँ रख देंगे और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर करके उसको अलग अलग डब्बों में फ्रीज़र में रख देंगे। मुझे ब्रेक में बहुत सारे सजेशंस मिल रहे थे कि ये वाली आइसक्रीम बना लें, फलानी वाली बना लें, बनाएंगे। ओके, सो कंडेंस मिल्क का टिन, ट्रेडिशनल आइसक्रीम बनाने वाले मुझे प्लीज़ क्रिटिसाइज़ नहीं करिएगा, ये आसान आइसक्रीम, चीटर्स आइसक्रीम है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इतना ज़्यादा आप वो कर दें कि हर चीज़ एग्जैक्टली फॉलो करें। ये सिंपल वाले आइसक्रीम्स हैं, जो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर दफ़ा आप एग्जैक्टली कस्टर्ड बनाएं। अंडे के कस्टर्ड से बनता है, एगलेस आइसक्रीम्स बनाने मैंने सिखाए हैं, लेकिन ये चीटिंग वाली आइसक्रीम है। सो बहुत आसान, बहुत सारे वैरायटीज़ आप इसी तरह बना सकते हैं इफ़ यू हैव द बेस करेक्ट। आइसक्रीम बेस में क्या है? कंडेंस मिल्क और क्रीम। एज आई सेड, मैंने क्रीम, डेयरी क्रीम खोली है, ठीक है। आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम कर सकते हैं इस्तेमाल, मुझे समा उसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, मगर उसको पहले बीट करिएगा। ये तो आप सिर्फ मिक्स भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, यू डोंट इवन नीड अ बीटर, विस्क के साथ कर लें, लेकिन आई यूज़ अ बीटर, लेकिन आप उसको सिर्फ मिक्स करिए, इसको बीट, ये वैसे भी ये वाली क्रीम बीट तो होगी नहीं ना। सो मैंने लिखा है 2 कप क्रीम और 1 कैन, मैं डबल यूज़ कर रही हूँ इसलिए कि आई एम मेकिंग मोर, फिर हम कल स्कूप्स निकाल निकाल के सर्व करेंगे, ठीक है। आइसक्रीम कहाँ ईजाद हुआ था, ये भी सवाल एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज द चाइनीज से उन्होंने किया था, इटालियंस कह रहे हैं उन्होंने किया था, और फ्रेंच कह रहे हैं उन्होंने किया था, और पर्शियंस कह रहे हैं उन्होंने किया था, सो वी रियली डोंट नो। बट आइसक्रीम हैज़ बीन देयर फॉर मैनी मैनी ईयर्स, बहुत सालों से, कोई नई ईजाद नहीं है, बहुत सालों से बर्फ़ में लोग चीज़ें मिक्स करके खाते थे, लाइक अ गोला गंडा टाइप। ओके, सो नाउ ये हो गया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। That's it. कितना आसान था। बहुत दफ़ा जब आइसक्रीम बनता है अंडों से, तो अंडे की जो जर्दियाँ हैं उसको हम पकाते हैं, और वो जो अंडे की सफ़ेदियाँ हैं उनको हम अलग से बीट करते हैं। बाज़ वक्त क्या होता है, जब हम सेट करते हैं बॉक्सेस में, तो जर्दियाँ नीचे बैठ जाती हैं और सफ़ेदियाँ ऊपर रह जाती हैं, इस तरह भी होता है। ओके, नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़, मुझे छोटे छोटे बोल्स में इनको निकालना है, ठीक है, एंड आई हैव टू मिक्स एवरीथिंग अलग अलग। सो और कोई छोटे, यही वाले बोल्स हैं, इन्हीं को मैं इस्तेमाल करती हूँ, इन्हीं में मैं चीज़ें मिक्स कर देती हूँ, सो इट्स ईजियर फॉर यू ऑल टू सी ऑल्सो कि क्या क्या किस तरह होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम चॉकलेट चिप्स ले रहे हैं, उसमें हम पेपरमिंट एसेंस डालेंगे, जैसे मैंने कहा था कम डालिएगा प्लीज़, और
इसमें जाएगा हरा रंग, लेकिन मैं पहले इसमें पॉ कर दूं हाउ मच आई नीड। और हरा रंग एंड देन हम इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद दिस इज योर मिंट चॉकलेट चिप। चॉकलेट चॉप करके डालें, डार्क चॉकलेट यूज करिएगा प्लीज। और वो जो मिंट की चॉकलेट आती है, आई कांट टेक द नेम, आई एम श्योर यू नो, तो उसको भी आप चॉप करके डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर वन फ्लेवर्ड आइसक्रीम। नाउ मेरे पास यहाँ इस तरह के छोटे छोटे एयरटाइट बॉक्सेस हैं, ठीक है। इनमें हम ये सब कुछ भरना शुरू कर देंगे सो दैट फिर हम उसको फ्रीज कर सकें। ये मैं करती जाऊंगी बाद में। अभी तो आपको ऑब्वियसली लगेगा कि ये सेट नहीं हुआ है, कैसे सेट होगा, इसमें कुछ नहीं डालिएगा। और बिलीव मी, ओवरनाइट छोड़ दीजिएगा इसको आप प्लीज़, फ्रीज़र में आराम से सेट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या बना रहे हैं। सो यहाँ मेरे पास है अंजीर फिग्स, ड्राई फिग्स, ठीक है, ये डाल दिया था। और फिग्स के साथ मेरे पास थोड़ा सा दूध था और बादाम थे। सो चॉप किया हुआ बादाम है यहाँ, थोड़ा सा दूध। दूध क्यों? क्योंकि फिग्स थोड़े से सॉफ्ट हो, ठीक है। ये हो गया और फिर इसमें यही वाला बेस। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं आज, जरा मैं आपको पेज भी दिखाऊंगी और आप लोगों के साथ हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। सो आई थिंक मैं दो दो चम्मच ही डाल रही हूँ, वही अभी फ़िलहाल काफ़ी है। सो दिस इज़ थोड़ा सा दूध, ये वही वाला बेस है, बादाम है और अंजीर है। आप अलग से अंजीर को दूध में सोक करके रखना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सो टू टाइप्स हमने कर दिए हैं। मैंगो का मैंने लिख लिया है कि 3/4 कप मैंगो की प्यूरे कर दीजिएगा। आम के छिलका निकाल के, गुठली निकाल के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। साथ में ही आप एक पूरा टिन कंडेंस मिल्क का डाल दीजिए और 2 टेट्रापैक के छोटे वाले जो क्रीम है वो डाल दीजिए, ब्लेंड कर दीजिए, आइसक्रीम मैंगो का आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर क्या है, ज़ाफ़रान और पिस्ता है। सो वीव गॉट पिस्ता। अब मैंने इसको ऐसे ही छिलके समेत बादाम और पिस्ते को रखा है। अगर आप इसको ब्लांच करना चाहें तो गर्म पानी में बादाम और पिस्ते डाल के छिलका निकाल दीजिएगा। कुछ लोगों को टेक्सचर के लिए छिलका अच्छा लगता है, कलर नज़र आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद छिलका। सो डिपेंड्स व्हाट यू वांट टू डू, ठीक है। ये बहुत आसान तरीन रेसिपीज़ हैं, सो प्लीज़ फॉलो करिएगा और बनाइएगा। इसमें जाएगा ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान एसेंस और थोड़ा सा दूध। सो अगेन द सेम थिंग, थोड़ा सा दूध, उसमें आप ये ज़ाफ़रान एसेंस डाल दीजिए और पिस्ते, बादाम डालना चाहें बादाम डाल दीजिए, काजू, वट एवर यू वॉन्ट। सो ये और द बेस। मैंने इस तरह डिवाइड किया हुआ है, आप लोग ऑब्वियसली अलग अलग बनाएंगे नहीं ना, आप लोग थोड़ी 6 किस्म के एक साथ बना लेंगे। सो इसीलिए मैंने ये किया हुआ है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम की वेरिएशन सीख लें आज। सो अब हमें क्या करना है, चीकू करना है। चीकू हम प्योरे करेंगे, यानी कि इसको हम ब्लेंड कर देंगे। फ्रूट जब भी आप किसी भी आइसक्रीम में डालें, ब्लेंड करके डालिएगा। अगर ब्लेंड नहीं की होगी तो इस पे आइस क्रिस्टल्स बनने का इम्कान ज़्यादा है, सही है। सो उसको ब्लेंड कर दीजिएगा। सो यहाँ चीकू एंड दूध एंड ब्लेंड कर दीजिए। सो यहाँ 4 एग्जाम के हो गए हैं रेडी। नाउ आई नीड सम मोर बेस ले लेते हैं इसमें और हम काजू किशमिश डाल देते हैं दूध के साथ, ठीक है। अगेन एज आई सेड, थोड़ा सा दूध आप किशमिश के साथ डाल दीजिए, ऑरेंज जूस डाल दीजिए, वट एवर यू वॉन्ट। और फिर ये आपने डाल दिया, इलायची का पाउडर है ये, छोटी हरी इलायची का पाउडर, और काजू जो हैं वो चॉप कर दिए हैं। सो दिस इज़ वन मोर फ्लेवर। और अब रहता क्या है, वेरी अनयूजुअल एंड डिफरेंट।
पान का पत्ता धो के चॉप कर दीजिएगा। यस, आजकल पान का आइसक्रीम बहुत ही इन है। एंड देन ऐड सम गुलाब का शरबत, ठीक है, जस्ट अबाउट अ टेबल स्पून जितना गुलाब का शरबत, दैट्स इट। और इसको आप मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। और ये सारे आइसक्रीम्स हम कल आपको दिखाएंगे, निकालेंगे डब्बों में से। अच्छा, यहाँ जो जो ये सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल दीज नट्स एंड दीज चॉकलेट चिप्स, मुझे किसी ने पूछा था कि अगर ये नीचे बैठ जाएं डब्बे के नीचे, सिंक हो जाते हैं, दैट्स ट्रू, हो जाते हैं। केक वगैरह जब हम बेक करते हैं तब तो ऑब्वियसली हम नट्स को और चॉकलेट चिप्स को मैदे के साथ कोट करते हैं कि वो नीचे ना बैठ जाए या कोई ड्राई फ्रूट हो, लेकिन आइसक्रीम के वक्त क्या करेंगे? सो मैं आपको इस शो पर दिखा रही हूँ, सो ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं होता है। आप लोग जब घर में बनाएं, इस बेस को बना के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ठीक है, 2 से 3 घंटे के बाद आप निकालिएगा। अलग अलग बॉक्सेस में अगर आपको डिवाइड करना है तो वो करिएगा, ये सारी चीज़ें अलग अलग डालिएगा, और फिर आप जब डालेंगे चॉकलेट चिप्स वो ऊपर से डालिएगा, तो जब आप स्कूप आउट करेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे नहीं, और आइसक्रीम है ना, केक थोड़ी है कि नीचे बैठ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आइसक्रीम के स्कूप से हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा ऊपर वापस। सो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन ऑल्सो, एंड दिस इज़ ऑल्सो डन। सो मैं रिपीट कर दूं, मैंने मिंट चॉकलेट चिप फ्लेवर के लिए मिंट एसेंस यानी पेपरमिंट एसेंस के चंद कतरे डाले थे। प्लीज़ ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा, थोड़ा सा हरा रंग था, ऑल्दो आई नो कि ये हरा रंग ज़्यादा हो गया है, और चॉकलेट चिप्स थे। काजू किशमिश के फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा दूध में किशमिश मिक्स कर दी थी और काजू चॉप कर दिए थे, इलायची का पाउडर लिया था। मैंगोज़ अगर हों सीज़न में जो आ जाएंगे एक आध महीने में, तो मैं सिंदरी आम से हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि उसमें वो ज़्यादा बाल नहीं होते हैं और उसमें से वो फ्लैश बहुत ज़्यादा निकलता है, मुझे सिंदरी बहुत पसंद है। सो आई ऑलवेज़ यूज़ सिंदरी मैंगो आइसक्रीम में। वैसे दूसरी चीज़ें बनाते हैं तो दूसरी आम भी हम इस्तेमाल करते हैं। 3/4 कप होना चाहिए मैंगो का प्यूरे, यानी आम के क्यूब्स को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिएगा। एक आध आम आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। आई वुड प्रिफर कि आप पूरा आइसक्रीम हर फ्रूट का ब्लेंड करके बनाएं हर फ्रूट को, क्योंकि आइस क्रिस्टल्स ना हो, और फिर आप जब उसको सर्व करें तो जब ग्लासेस में, बोल्स में, किसी भी चीज़ में आप स्कूप आइसक्रीम का कोन हो उसमें आप सर्व कर रहे हो, तो तब आप ऊपर से फ्रूट डालें, सॉसेस डालें, पुदीने का पत्ता रखें, व्हिप्ड क्रीम रखें, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, लेकिन उस वक्त आप फ्रूट काट के डालें। ये वाली जो अंदर जो है वो सारी फ्रूट ब्लेंड होने चाहिए। अच्छा, फिर हमने ज़ाफ़रान एसेंस डाला था, पिस्ते ले लिए थे चॉप करके, वो हमने इसी बेस में डाल दिया। पान का एक पत्ता लिया था, रोज़ सिरप, गुलाब का जो सिरप होता है वो, लाल शरबत वाला, वो डाल दिया था। फिर चीकू दूध के साथ ब्लेंड कर दिया था, इलायची का पाउडर डाल दिया था। सो आई हैव गॉट 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आइसक्रीम्स। आज 7वां हो जाता अगर मैंगो होती अभी सीज़न में तो। और मैंने बादाम और अंजीर फिग्स, ड्राई फिग्स, वो लेके थोड़े से दूध के साथ। दूध इसलिए है कि ये जो सारी चीज़ें हैं जिनको आप दूध में पहले से सोख करके रखेंगे, 1/4 कप दूध में आप अगर अंजीर को सोख करके रखें, या 1/4 कप दूध में अगर आप किशमिश को सोख करके रखें, सो दिस इज़ हाउ आज हमने ये शो आपका आपको दिखा दिया बेसिक आइसक्रीम्स कैसे बनाते हैं। अब इसी के साथ आप लोग प्ले करते रहें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। मैंने तो इस तरह बनाया है, ऑब्वियसली आप घर में 2 स्कूप तो नहीं बनाएंगे ना, आप तो पूरा ही टिन कंडेंस मिल्क का और पूरे 2 कप क्रीम लेंगे, उसको ब्लेंड कर देंगे और उसमें कोई चीज़ डाल के एक दफ़ा ही एक आइसक्रीम बनाएंगे। सो अगर आप छोटे पोर्शन से बनाना चाहते हैं इस तरह, और वैरायटी भी हो तो आप इस तरह कर सकते हैं। चॉकलेट का ये है कि चॉकलेट के लिए मैं 2 तरीकों से बनाती हूँ, या तो फिर इसी बेस में मैं मेल्ट करके चॉकलेट डाल देती हूँ, और इसके साथ साथ मैं कोको पाउडर भी डालती हूँ। आप भी डाल के देखिएगा, चॉकलेट का एसेंस ही मिलता है, तो ये भी आप डाल के देखिएगा, इस तरह भी हो सकता है। जितने भी आपके पास एसेंस हो घर में, अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस हो, ऑरेंज का छिलका आपने फ्रीज करके रखा हो सर्दियों से, तो वो आप डाल सकते हैं, उसमें आप ग्रेट करके चॉकलेट डाल सकते हैं। मेरे पास अगर घर में मार्जिपैन पड़ा होता है, क्योंकि मैं मार्जिपैन से चॉकलेट्स वगैरह बनाती हूँ, या केक के ऊपर कवर करने में हम मार्जिपैन लगाते हैं फ्रूट केक को, तो वो मार्जिपैन को क्रम्बल करके डाल दीजिए। चेरीज सीजन में अभी आए हैं, चेरीज का बीज निकाल के वो आप ठंडे करके डालिए। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं याद बताना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई चीज़ आइसक्रीम के अंदर डालें वो ठंडी होनी चाहिए। अगर आप डार्क चॉकलेट के कुकीज़ लेते हैं जिससे बच्चों को बहुत अच्छे लगता है वो आइसक्रीम, वो आप चॉप करके डालना चाहते हैं, या वो आप थोड़े बिस्किट्स ब्लेंड कर दीजिएगा और थोड़े बिस्किट्स चॉप करके डालिएगा, उन बिस्किट्स को भी ठंडा होना चाहिए, ठीक है। एडिंस जो भी हों वो ठंडे हों,
ये याद रखिएगा। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, किस तरह बनाया है। नाउ ऑल आई नीड टू डू इज़ कि छोटे बॉक्सेस में हम फ्रीज़र में ये सारी चीज़ें रख देंगे और कल मैं जब आऊँगी तब हम स्कूप्स में बना के आपको निकाल के दिखाएंगे। आइसक्रीम का कोन हो आपके पास, मिलते हैं वॉफल कोन्स मिलते हैं आपको मार्केट में, या फिर आप अब इस पर डिपेंड करता है आपको कैसे इसको सजा के पेश करना है। ठीक है, सिंपल बोल्स में निकालना है, कोई एफर्ट नहीं करनी, फाइन, दैट्स फाइन विथ मी। लेकिन अगर आपको किसी दावत के लिए करना है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, चॉकलेट के जो हमारे कपकेक के केसेस नहीं आते हैं जिसमें हम कपकेक्स बेक करते हैं, पिघला के चॉकलेट को उसमें डाल दीजिएगा। उसका वो पूरा जब शेप हो जाएगा तो वो पेपर पील ऑफ करके फेंक दीजिएगा और इसी में एक एक स्कूप आप चॉकलेट आइसक्रीम या कोई भी आइसक्रीम सर्व कर सकते हैं। तो जो आपका शेल है, जो आपका कप है, वो भी आप खा सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, इन्हीं आइसक्रीम्स को आप लॉक शेप में बना सकते हैं, यानी कि लोफ टिन में आप रख सकते हैं। अब जब लोफ टिन आपने लिया उसमें आप कुछ रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल फॉइल, या फिर बेटर है कि आप क्लिंग लगा दीजिएगा, पूरी क्लिंग बाहर तक हो ताकि जब आप उसको ओवरटर्न करें तो आप उसके स्लाइसेस काट सकें। आई थिंक ईद से पहले मैंने कुल्फा बनाना सिखाया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था, तो उसी तरह आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि मैंने लोफ टिन के अंदर क्लिंग फिल्म रखी थी, उसमें पूरा मिक्सचर डाल दिया था, फिर जब ठंडा हो गया तो हमने उसको उल्टा कर दिया, क्लिंग फिल्म आराम से निकल आई। वरना क्या होता है, बाज़ वक्त टिन में ये फंस जाता है, चिपक जाता है, शेप अच्छा नहीं आता है आपके आइसक्रीम का। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप किसी भी तरीके से, किसी भी शेप में, किसी भी तौर पे सिर्फ स्कूप भी कर सकते हैं और इसको भी कुछ और जितना आपको क्रिएटिव होना है, जिस तरह आपका इमेजिनेशन, स्काई इज़ द लिमिट इन डिज़र्ट्स और डेकोरेशन एंड गार्निश ऑफ कोर्स। अच्छा जी, चलिए अब हम क्या करें, क्लीन अप करें। सो आज सारे आइसक्रीम्स अभी नहीं रेडी हैं, ऑब्वियसली बना लिए हैं। नाउ यू सॉ कि अगर आपको किसी दावत के लिए, इवन घर में खाने के लिए वैरायटी चाहिए तो आप इस तरह बनाइएगा। मेरी तरह दो मैंने टिन खोले थे कंडेंस मिल्क के, और मैंने चार टेट्रा पैक के छोटे डेर जो आते हैं वो खोले थे, ठीक है, क्रीम के। और इसी तरह मैंने डिवाइड कर दिया था अलग अलग बोल्स में, और इस तरह दीज आर आइडियाज़। आम हो तो एक और भी बन जाता, सो सात बन जाते आज। कल हम और कोई आइसक्रीम करेंगे, एक दिन चॉकलेट का है, बहुत सारे आइसक्रीम्स हैं, आप पूरा हफ्ता देखिएगा। ओके, सो आई एम ऑन द पेज नाउ, और मैं पेज पे मैसेजेस आप लोगों के पढ़ रही हूँ। तो सलाउद्दीन यूसुफ ने कहा है कि ही वांट्स टू लर्न हाउ टू मेक अ वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस कितनी दफ़ा बनाना सिखा चुके हैं आपके लिए, दोबारा एक बार फिर रिकैप करेंगे कि किस तरह बनाते हैं। दो चम्मच आप मक्खन के लीजिएगा, सॉल्टेड, मैं मक्खन इस्तेमाल करती हूँ खानों में। उसको आप पिघलने के लिए एक पैन में रख दीजिएगा, दो से तीन चम्मच भर के आप उसमें मैदा डालिएगा। आँच बहुत हल्की रखिएगा ताकि जल ना जाए मैदा, ठीक है। और उसके बाद आप उसमें जो भी सीजनिंग डालना है, मैं नमक, काली मिर्चें और मस्टर्ड का पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट डालती हूँ, और अगर चिकन का कुछ बनाना हो तो मैं चिकन स्टॉक क्यूब भी आधा डालती हूँ। थोड़ा सा पानी डालिएगा और उसको पकने दीजिएगा, फिर आपको लगे कि अच्छी सी खुशबू आ रही है मैदे की तो आप उसमें दो कप दूध डाल दीजिएगा और विस्क के साथ उसको चलाते रहिएगा। दैट्स इट, वाइट सॉस रेडी। चीज़ डालिए, आप जो भी ग्रेटेड चेडर या मोज़रेला चीज़ डालना है, पामेजान चीज़ डालना है। पास्ता अलग से बॉयल कर दीजिए, 7 से 8 मिनट, ज़्यादा नहीं बॉयल करते हैं पास्ता को, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के। और उसके बाद फिर आप उसको निथार दीजिए, पानी पूरा फेंक दीजिए। कुछ लोग पास्ता जो पानी में बॉईल करते हैं उसको भी थोड़ा सा डालते हैं इन द वाइट सॉस, और बस दैट्स इट, सर्व इट। चिकन डालना है, चिकन डाल दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, दूसरे शोज़ में आने की बातें हो रही हैं, तो मैंने उनको कहा है कि प्लीज़ रिफ़र टू द नेक्स्ट शोज़ पेज, ठीक है। और रेसिपीज़ के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चिकन बिरयानी कहाँ है, फलां कहाँ है, ये कहाँ है, तो ये जो सारी रेसिपीज़ हैं फ़ोटो सेक्शन में है हमारे पेज पे। फ़ोटो सेक्शन में जाइएगा और वहाँ जाके देखिएगा, रेसिपीज़ हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और बस यही वाली बातें हैं, डू आई गिव क्लासेस, कहाँ कहाँ मुझे टाइम मिलता है क्लासेस देने का, और यहाँ घर पर बैठ के सीखे ना, फ्री क्लास है ये मसाला पे आप लोगों के लिए। व्हाट्सएप नंबर हमारे पेज का कोई भी नहीं है, यही है, यही हमारा पेज है, उस पर जाइएगा, देखिएगा और रेसिपीज नोट करिएगा। मैं आपको दिखा दूं हमारा पेज कौन सा है। सो दिस इज आवर पेज, दिस इज आवर पेज, ठीक है, नज़र आ रहा है, दिस इज़ आवर पेज। प्लीज़ इसको जाके लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और कहाँ गए फोटोज़, या फोटोज़ यहाँ है, फोटोज़, फोटोज़ को आप क्लिक करेंगे तो ये तमाम रेसिपीज आ जाएंगी। ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये है,
स्मोकी चिकन एंड राइस मैंने उस दिन बनाया था। अब तस्वीर के साथ साथ उर्दू में रेसिपी है, लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ सीमोर करेंगे तो ये पूरी रेसिपी आ जाएगी। ठीक है, नज़र आ गया, इंग्लिश में भी रेसिपी है। सो दिस इज़ हाउ आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे पेज से रेसिपीज़। मसाला टीवी का फूड मैगज़ीन मे का शुमारा आ चुका है, हम सबकी इस पर तस्वीर है। इरफान इज़ मिसिंग। एनीवेज इरफान कहाँ थे आप उस वक्त? हाँ अच्छा जी, चलिए। और ये हैं हमारी तस्वीरें फॉर द ईद शो, जो हमारे ईद का शो किया था उसकी तस्वीरें हैं। पता नहीं मैंने कौन सा जोक क्रैक किया था जो हम लोग यहाँ हंस रहे हैं, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या बोला था। सो हमारी सारी रेसिपीज़ अब देखते तो हैं ज़रा कि फूड डायरीज की कौन सी रेसिपी है। या दैट्स अर्नक, यह चीज़ टोस्ट बनाया था मैंने, और यहाँ मैंने मटन पुलाव बनाया था, फ़िश वेलिंगटन, यस बीफ वेलिंगटन तो सब बनाते हैं, मैंने कहा था ज़रा हम फ़िश वेलिंगटन बनाते हैं। आलू की और पूरी थी एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ लवली रेसिपीज़ ऑफ ऑल आर शेफ्स। आप भी ज़रूर मैगज़ीन ख़रीदिएगा और फ़ायदा उठाइएगा। ओके यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी चलिए, बहुत कम ऐसे एपिसोड्स हैं 10 साल में मेरे विद फूड डायरीज़ जिसमें कोई चीज़ तैयार ना हो। ऑफ कोर्स आइसक्रीम के शो में नहीं हो सकता है अनलेस के मैं सब कुछ घर से बना के लाऊं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल शोन टू यू कल। ठीक है, कल 3:30 बजे लाइव शो देखिएगा हमारा, पीर से जुमा हम आपके साथ हैं 3:30 से 4:30 लाइव, और रात में 12 बजे शो रिपीट होता है। और अच्छा हाँ, याद दिलाती चलूँ कि इस शो के बाद जैसे मैंने कहा था पूरे रमज़ान कि आप देख सकते हैं मेरे हायर का शो, तो आप फ्राइडे को अब देख सकते हैं 6 बजे। ठीक है, देखिएगा ज़रूर मेरा शो हायर का भी, जिसमें मैंने बहुत सारी मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं और बहुत सारी अभी बहुत एपिसोड्स अभी बाकी हैं। वंस अ वीक आएगा सिर्फ जुमे को 6 बजे। ओके सो टुमारो वील मीट एंड होपफुली मुझे कुछ आइडियाज़ आ जाएंगे तो मैं किस तरह ये सारी चीज़ें। अच्छा, लेयर्ड आइसक्रीम्स मुझे बहुत पसंद हैं। मैंने आपको आई थिंक कसाटा आइसक्रीम बनाना सिखाया है, कसाटा में पिस्ताचियो आइसक्रीम का लेयर, फिर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का लेयर, वाइट वेनिला आइसक्रीम का लेयर करके लोफ टिन में रख दीजिए और फिर उसको एक एक आइसक्रीम के लेयर को सेट होने दीजिए। बहुत ज़रूरी ये है कि जब भी आप कोई ट्रिपल चॉकलेट आइसक्रीम बनाएं या आप जब भी कोई ट्रिपल चॉकलेट चीज़ केक बनाएं, एक एक लेयर सेट होगा, उसके बाद दूसरा लेयर ऊपर पॉर करिएगा। एक के बाद एक आपने फ़ौरन पॉर कर दिया तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, और मैंने जैसे कहा था एड इन्स जो भी हैं उनको ठंडे होने चाहिए, कोई भी चीज़ रूम टेम्परेचर पर नहीं डालिएगा, इवन बिस्किट भी क्यों ना हो। और मैंने बातों बातों में आपको स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम की भी रेसिपी बता दी थी कि स्ट्रॉबेरीज़ ब्लेंड कर दीजिएगा, बिस्किट का जो चूरा होता है, डाइजेस्टिव कुकीज़ ले लें, मारी बिस्किट ले लें, कोई भी टी टाइम के बिस्किट्स लीजिएगा जिसमें क्रीम ना हो, उसका थोड़ा सा चूरा ऊपर से पॉक कर दीजिएगा और स्प्रिंकल कर दीजिएगा, और इस तरह क्रीम चीज़, इसमें आप क्रीम चीज़ डाल दीजिएगा, इसी बेस में आप उसको अच्छा सा मज़ेदार सा बनाने के लिए क्रीम चीज़ का एक टब लीजिएगा और ये कंडेंस मिल्क और क्रीम और उनको ब्लेंड कर दीजिएगा और उसमें फिर आप बिस्किट का चूरा और वो डाल दीजिएगा। इसी तरह पाइनएप्पल का बना सकते हैं। बहुत सारे आइसक्रीम्स की वैरायटी तो आई थिंक नेवर एंडिंग है, मगर मेरा फेवरेट आइसक्रीम फ्रूट में मैंगो का है, चीकू का है और चॉकलेट आइसक्रीम है, बिकॉज मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। आई यू नो गाइज मस्ट बी नोइंग दैट कि मैं आई एम अ ट्रू चॉकोहॉलिक, हर डिज़र्ट चॉकलेट का होना चाहिए, हर चीज़ मुझे चॉकलेट की बहुत पसंद होती है। और चॉकलेट से याद आया कि अगर यही बेस में आप कोई अपनी फेवरेट चॉकलेट चॉप करके डालना चाहें तो वो भी ठंडी कर लीजिएगा, चॉप करके डाल दीजिएगा जब आइसक्रीम आधा सेट हो। ठीक है, सो आइसक्रीम पे तो आज मैंने बहुत ही बड़ा लेक्चर भाषण दे दिया है। सो अब हम एंड करेंगे अपना शो, कल मुलाकात होगी एंड होपफुली एवरीथिंग हैज सेट बाय देन और आपको स्कूप्स में निकाल के हम दिखाएंगे। सो 3:30 बजे मुलाकात होगी मेरी और आपकी लाइव, देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।